ये बी आर आया, लेकिन ये नया बी आर नहीं है, ये क्या है एक्चुअली? हमारा ही बीपी है। तो तुम्हारे पास एक एसेट आया है, बराबर है, बी आर इज योर एसेट, राइट। अभी समझो ये बी आर ऑनर होगा, समझो ये बी आर, तो एंट्री क्या करो? कैश टू बी आर, और बीपी ऑनर की एंट्री बी आर टू, बीपी टू कैश। लेकिन वो किसको देना है पैसा? ये कैश टू बी आर और ये बीपी टू कैश, ये पैसा कौन किसको दे रहा है? हम अपने आप को ही दे रहे हैं ना। तो बेसिक एंट्री क्या हुआ? बीपी टू बी आर, खुद ही खुद को थोड़ी पैसा दोगे, इमेजिन। सो बीपी टू बी आर बेसिकली क्या हुआ? हमारा लायबिलिटी भी कैंसिल हो गया और एसेट भी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा ही लायबिलिटी घूम फिर के हमें एसेट के फॉर्म में मिला, तो लायबिलिटी भी हमारी थी और एसेट भी हमारा। तो हमने खाली क्या मारना है? बीपी टू बी आर। तो ये दो एंट्री होती है, दो एंट्री ना करके इसमें आप बी आर कैंसिल करके डायरेक्टली इधर क्या लिख सकते हो? बी। तो क्या एंट्री हो गई आपकी? बीपी डिस्काउंट अलाउड टू रो, दैट्स योर लास्ट। बीपी डिस्काउंट अलाउड टू रो। दो चीजें हुई, पहले बी आर आया, लेकिन पता चला ये बी आर है किसका? अपना ही बीपी है। बीपी भी हमारा है, बी आर भी हमारा है, बीपी बीपी बी आर दोनों नलीफाई कर, तो बीपी टू बी आर। दो दो एंट्री नहीं करना है, बीपी टू बी आर और बी आर डिस्काउंट, दोनों दो करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक ही मारो। क्या करो? लिख दो लास्ट वाला, लिख दो बीपी डिस्काउंट अलाउड टू रोहन। नरेशन वही है, आवर ओन बीपी एंडोर्स टू अस इन फुल सेट, आवर ओन बीपी एंडोर्स टू अस इन फुल सेट, आर ओन बीपी एंडोर्स टू अस इन फुल सेट। समझ आया सबको? कुछ नहीं है, खाली हमारा लायबिलिटी गया था, वो घूम करके अपने पास ही एसेट बन गया। तो एसेट भी हमारा है, लायबिलिटी भी हमारा है, तो दोनों क्या करो? इंस्टेड ऑफ पासिंग टू एंट्रीज बी आर डिस्काउंट टू रोहन एंड बीपी टू बी आर, यू जस्ट पास वन, दैट इज बीपी डिस्काउंट टू रोहन। बीपी डेबिट होने वाला बीपी क्या हुआ? कैंसिल हो गया, लायबिलिटी घटा, डिस्काउंट एक्सपेंस, और रोहन भी सेट ऑफ। अभी किसको किसी को पैसा देना है? अभी सपोज टू पे टू एक्स और एक्स इज सपोज टू पे टू रोहन और रोहन इज सपोज टू पे टू एक्स, घूम फिर के अपने पास आ। नाउ सम नंबर 22 अरविंद वाला, कर लिया अरविंद वाला, डेट के साथ करना है, 24th अक्टूबर डेट दिख रही है, सभी ट्रांजैक्शन की डेट सेम है, 24th अक्टूबर, ऑल द ट्रांजैक्शन 24 अक्टूबर, एक ही दिन पे सारे के साथ, एक साथ नहीं कर रहा है, एबीसीडी में ही कर रहा है, बट डेट सबका 24th चलेगा, 24th अक्टूबर फिर 1 2 3 4 कर। नाम शीच हम लोग कौन है? अरविंद। रिन्यूड साइनाप्स एक्सेप्टेंस बी आर और बी आर है, साहिल इन्फॉर्म्स अरविंद दैट मीनल्स एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 16 हमने एक्सेप्ट कर ली। बैंक इन्फॉर्म दैट विद्या इज एक्सेप्टेड बी आर करो, ध्यान से करो 20 सेकेंड। ये वाला खाली सीए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए करवाया है, ये सर्कुलर वाला 12th में नहीं आया। चलो चलो उसका टोटल अमाउंट 5.5 है, दूसरे पहले पे कर दिया अरे वो लास्ट वाले में ना दो है, लास्ट वाले में दो एंट्रीज है, वो 295 पे है ना, एक खत्म हो रहा है 295 सेकेंड लास्ट लाइन फुल स्टॉप है ना, उधर खत्म हो रहा है, उसके बाद ई कर दो, ई
नंदिता से ई वाला स्टार्ट हो रहा है, मिला? ओके, नंदिता से ई वाला। Got it? नंदिता से ई वाला ई। Got it all of you? Hello? Yes, yes, yes. पांच चार सेकेंड लास्ट लाइन 295 पे खत्म हो रही है। उसके बाद नंदिता वाला पॉइंट है ना, वो अलग ही ट्रांजैक्शन है, ई फिफ्थ ट्रांजैक्शन। कम ऑन डू इट। चलो ऐश बैठ क्विक। नहीं होता भाई लेजर्स, एग्जैक्ट लिस्ट में देयर आर नो लेजर्स। एक और वेटी वाला वेटी क्या? हां वो सामने वाला अभी नहीं करेंगे हम लोग रिवीजन में। यस सर, हमारे होमवर्क कुछ होता तो जाए हम करो फटाफट करो। देन आई एम स्टार्टिंग विद प्रोफोर्मा नंदिता वाला है आपसे रिपीट में आकर। हाँ बोलते यार रिटायर्ड रिपीट मतलब किस नंदिता एंडोर्स बी आर दिस ऑन मीनल टू साहिब क्यों आ रहे हो? दूसरा कौन सा है? अरे भाई उसमें अलग से कोई दिखता है। करो डिस्कस हो गया। साहिल एंडोर्स ही है। $2,000
19,000 में से 16,400 का बिल है बाकी कैश चैनल सर्च टू बीपी टू कैश। देखो चेक करो चेक चेक ऑल ऑफ यू रिन्यूड साइनास एक्सेप्टेंस ऑफ 18,000 विद इंटरेस्ट 380 फॉर 2 मंथ्स। पहला साइनास टू बीआर 18,000 आया। हेलो साइनास टू बीआर 18,000 साइनास टू इंटरेस्ट 380 बीआर टू साइनास 18,300 तीन ही एंट्री मिला सबको आया। देन साहिल इन्फॉर्म्स अरविंद दैट मीनल्स एक्सेप्टेंस ऑफ 3,000 एंडोर्स टू साहिल वॉज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस वर पेड 195। सो हु इज साहिल फॉर अस एंड हु इज मीनल ड्रॉइंग तो इट विल बी मीनल टू साहिल 13,195। अंडरस्टूड मीनल टू साहिल क्या था ये पता चला एंडोर्स बी आर डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्ज एक्सेप्टेड टू एंडोर्स आया कि नहीं। हेलो एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 16,400 2 मंथ्स ड्रॉन बाय आना चाहिए ग्रामेटिकल एरर है ड्रॉन बाय चांद एंड सन्स फॉर द अमाउंट ड्यू टू देम 19,000 पेड द बैलेंस इन कैश। मतलब हम लोग क्या है बी आर की बीपी है बीपी ड्रॉ ही हम लोग। हेलो समझ आया तो कितना देना था चांद भैया को 19,000 दिया कितने का बिल 16,000 बाकी का 12,600 इज कैश द चैलेंज सेंस टू बीपी टू कैश 19,000 16,400 and 2,600। डी वाला देखो बैंक इन्फॉर्म दैट विद्यास एक्सेप्टेंस ऑफ 14,000 डिस्काउंटेड और डिसऑनर्ड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 105 रिन्यूड बिल ऑन विद्यास रिक्वेस्ट 295 विथ इंटरेस्ट। सो विद्या टू बैंक 14,105 विद्या टू बैंक With noting charges. फिर 14,105 इज देयर एनी पार्ट पेमेंट नो इंटरेस्ट तो विद्या टू इंटरेस्ट विल बी 295 एंड बी आर टू विद्या विल बी 14,400 बराबर विद्या बी आर टू विद्या विल बी 14,400 थ्री एंट्री आई रिपीट पहला विद्या टू बैंक 14,105 फिर विद्या टू इंटरेस्ट 295 और फिर बी आर टू विद्या 14,400 आया। लास्ट वाला नंदिता रिटायर्ड और एक्सेप्टेंस टू अरविंद मतलब कैश रिबेट टू बी आर कैश में 13,000 रिबेट 550 बी आर 13,500 इज इट क्लियर अभी आ जाओ इस एक सम बाकी में रिविजन में लूंगा सम्स हो गए आपके कम टू प्रोफोर्मा व्हाट इज प्रोफोर्मा नाउ प्रोफोर्मा मतलब आपको बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना है क्या करना है ड्रॉ करना है यस देखो बोल कर ये 5 मार्क है ना आपके पेपर के सबसे इजीएस्ट 5 मार्क पूरे बोर्ड पेपर इजीएस्ट 5 मार्क्स आर प्रोफोर्मा बिकॉज कुछ करना ही नहीं है जो भी डेटा दिया उसको छापना है कॉपी करने का 5 मार्क ले लो देखो पेज नंबर 12 ले लो और मैंने सारा वैरायटी मर्ज करके ना 4 प्रोफोर्मा बनाया हुआ है क्वेश्चन 5 बनाया हुआ है वो 5 ही करके जाओ बस 5 मार्क सिक्योर्ड अगर आया पेपर में ऑब्जेक्टिव में आता है एक आएगा ऑब्जेक्टिव में आता है 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव में 5 मार्क का प्रोफोर्मा आता है तो ये 5 करके जाओ एग्जॉस्टिवली सब कवर हो जाए कुछ और देखने का जरूरत नहीं प्रॉपर। देखो फर्स्ट वन कैसे बनाने का लेटर राइटिंग कोई टाइप का पहला बिलो हम लोग क्या बना रहे बिलो एक्सचेंज दिखता कैसे तो ड्रॉवर का नाम दिया यामिनी गुप्ता कैन यू सी दैट ड्रॉई दिया है अमाउंट ऑफ बिल है पीरियड ऑफ बिल है डेट ऑफ बिल है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है मिला ये सारे डेटा डालना है आपको बिलो एक्सचेंज फर्स्ट वन
इधर से चालू बनेगा राइट हैंड साइड वाला, अभी कुछ लिखो मैं तो पूरा बना लूंगा बाद में छापो आराम से। इधर राइट हैंड साइड पे लिखने का ड्रॉवर का नाम और एड्रेस, स्टार्ट करने का यामिनी गुप्ता सर्वप्रिया विहार दिल्ली। जो दिया है छाप दे, ठीक है। क्या करना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर, उसके नीचे लिखने का डेट ऑफ द बिल, मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग, इसने कब ड्रॉ किया हुआ है, डेट ऑफ बिल इज डेट ऑफ ड्रॉइंग, फर्स्ट जनवरी 2017, ठीक है, फर्स्ट जनवरी 2017। क्या किया मैंने, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, डेट ऑफ ड्रॉइंग, सॉरी। लेफ्ट हैंड साइड पे वही लाइन पे एक ऐसा बॉक्स बनाने का, उसमें लिख देने का स्टैंप, ये आपका होता है रेवेन्यू स्टैंप, आपको होता है बिल कोई सर्टेन अमाउंट का रहेगा उस पर, बॉन्ड पेपर पे भी बना सकते हो, रेवेन्यू स्टैंप चिपका दो, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द बिल। वैसे एक स्टैंप का एक चौरस बना के इसका बॉक्स बना के स्टैम्प लिख दे एंड ड्रॉ द बॉर्डर्स विद पेंसिल और ड्रॉइंग विद पेंसिल, ठीक है। उसके बाद एक और बॉक्स बनाने का छोटा सा रेक्टेंगुलर नीचे चौरस, उसमें अमाउंट इन फिगर कितना है, 10,500 सॉरी ओके। देन यू हैव राइट स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट भी रट्टा मार लो, एक लाइन का स्टेटमेंट है। देखो स्टेटमेंट शुरू होगा वेदर इट इज एन आफ्टर डेट और आफ्टर साइड बिल देख लेने का, कुछ दिया नहीं है तो अज्यूम करने का आफ्टर डेट बिल है। पीरियड ऑफ द बिल देखने का 100 डेज है, तो स्टेटमेंट शुरू होगा आपका यहां से, थोड़ा पैरा जितना जगह छोड़ के लिखने का एक आध लाइन नीचे, 100 डेज आफ्टर डेट, 100 डेज आफ्टर डेट, मतलब 100 दिन बाद, ये आफ्टर डेट बिल है, कुछ नहीं दिया तो आफ्टर डेट बिल, आफ्टर साइड है तो दिया होगा सामने, तो इधर आफ्टर साइड कर दे, 2 मंथ्स है तो 2 मंथ्स, 3 मंथ्स है तो 3 मंथ्स, ओके। तो टाइम पीरियड कॉमा आफ्टर डेट या आफ्टर साइड। पेई देखने का, पेई पेई कौन होता है, जिसको अल्टीमेटली पैसा मिलने वाला, तो सब में दिया है क्या पेई, पर वो सब में पेई कहीं मेंशन्ड है नहीं है, तो इधर लिखने का पे टू मी और माय ऑर्डर, मतलब पेई कोई मेंशन नहीं है, पेई का नाम नहीं है, मतलब मैं बोल रहा हूं, मतलब ड्रॉवर बोल रहा है या तो मुझे पैसे देना या तो मेरे ऑर्डर पे किसी और को देना, मतलब अगर मुझे फर्दर एंडोर्समेंट फ्यूचर में करना तो मैं कर सकता हूं। तो 100 डेज आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज इन वर्ड्स लिखना है, यही रुपीज इन वर्ड्स 10,000 एंड 500 ओनली, और लास्ट में लिखने का फॉर द वैल्यू रिसीव, फॉर द वैल्यू रिसीव, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड का मतलब मैंने जो सेल किया है उसके बदले में ये बिल का पैसा आएगा, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, तुम्हें को फोकट का पैसा नहीं दे रहे हो, तुमने जो सेल, मैंने जो सेल किया हुआ है तुमको वैल्यू मिल चुका है, आई सोल्ड गुड्स, उसके बदले में तुम मुझे बिल का पैसा दोगे। तो 100 डेज टाइम पीरियड, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 100 डेज, 40 डेज, 60 डेज, आफ्टर डेट आफ्टर साइड, पे टू मी और माय, अगर पेई का नाम होता ना उधर तो मैं लिखता पे टू पेईज नेम और एड्रेस और हिज ऑर्डर, या तो पेई को पे करो या उसके ऑर्डर पे किसी और को, पेई नहीं है तो कौन है, ड्रॉवर एंड पेई आर वन एंड द सेम, तो पे टू मी और माय ऑर्डर सम ऑफ रुपीज इन वर्ड्स ओनली, ओके, फॉर द वैल्यू रिसीव, दिस इज द स्टेटमेंट। ये खाली 2 लाइन आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद तो वापस ऐसा 2 लेटर में करते थे ना, इसको एड्रेस करोगे आप, ड्रॉइंग कामिनी शर्मा राज, ड्रॉइंग कौन है, कामिनी शर्मा राजबाग आगरा, तो कमीनी नहीं,
राजबाग आगे ऊपर किसका नाम और एड्रेस था? ड्रॉवर नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर. किसको एड्रेस कर रहा है? ड्रॉइंग. तो ड्रॉवर इज सेंडिंग द बिल टू ड्रॉइंग के भैया तुमको मुझे इतना पैसा देना है, ये बिल है, मैं भी साइन कर रहा हूं, तुम भी साइन करो. तो लास्ट में साइन आना चाहिए. तो इधर लिखने का ऐसा एस डी डैश ऑब्लिक एंड हाइफन एस डी डैश ये साइन है. एक्स वाई जेड नहीं लिखने का, अपना ऑटोग्राफ नहीं करने का. एस डी डैश सिंपल सिग्नेचर का शॉर्ट फॉर्म, साइंड का शॉर्ट फॉर्म है. किसका साइन आएगा पहले? ड्रॉवर का साइन. तो इधर नीचे लिखने का यामिनी गुप्ता, जस्ट द नेम, साइंड बाय यामिनी गुप्ता. ड्रॉवर ने साइन कर लिया. फिर ड्रॉइंग क्या करेगा? ऐसा दो पैरेलल लाइन बनाने का, उसमें लिखने का एक्सेप्टेड. एक्सेप्टेड मतलब बिल एक्सेप्ट हो गया. वो ऐसा स्टैम्प जैसे ही रहता है, इसी ऑफिस ऑफिस में करते रहेगा ना, तो देखा रहेगा तुमने शायद. एक्सेप्टेड से थप्पा रहता है. एक्सेप्टेड इधर लिखने का ये साइंड भाई, किसका साइन आएगा इधर? ड्रॉइंग कामिनी शर्मा, कामिनी शर्मा. और इसने कब साइन किया है उसका डेट, दैट इज डेट ऑफ एक्सेप्ट, वो है आपका 3rd January 27. ओके समझा? मतलब ये बिल फर्स्ट जान से तीन, अगर आफ्टर डेट बिल है, ये आफ्टर डेट बिल है तो फर्स्ट जान से 3 महीना ले, तीन महीना नहीं है, 100 दिन ले रहेगा, प्लस 3 डेज 103 डेज एग्जैक्ट. आफ्टर साइट होता है तो 3rd January सर. एसडी का फुल फॉर्म क्या? साइंड, साइंड का शॉर्ट सिग्नेचर. Once again, what are the main points? Drawer ka name and address, date of drawing. Two boxes, one for stamp, one for amount. Statement, ye rakha hona padega. Time period, after date, after side, pay to me or my order, sum of rupees so and so for the value received. Kisko address karoge? Name and address of the drawing. Two signs, drawer ka sign, drawing ka sign. Mila? उसमें ऊपर क्या लिखेगा? एक्सेप्टेड और नीचे डेट ऑफ एक्सेप्ट. इज इट क्लियर? और ये तो पहले लाइन सब पेंसिल से करना, और लास्ट में सब कुछ होने के बाद ये बॉक्स बना. ओके दैट्स योर बिल ऑफ. ऐसा ही बनाओ, नोटबुक में सीधा ही बनाओ, खाली स्पेशियस रखो, ऐसा खिचड़ी खिचड़ी सीधा सीधा वर्टिकल पेज पे ही बनाओ, खाली स्पेस बराबर देख के करो. दो पेज एक साइड सिंगल साइड पे बनाओ. ड्रॉवर ने पैसा मांगा, ड्रॉइंग पे पेज.